हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी की पॉसिबल स्टोरी के बारे में। आई रिमेंबर मेकिंग अ सिमिलर वीडियो व्हेन अवेंजर्स एंड गेम केम आउट एंड इट वाज द फर्स्ट वीडियो दैट गेव मी सम एक्सपोजर, सो व्हाई नॉट ट्राई अगेन। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द स्टोरी, लेट मी टेल यू दैट ये कंप्लीट फैन थ्योरी होने वाली है, बट सिंस इट इज बेस्ड ऑन सम फुटेजेस फ्रॉम द ट्रेलर्स एंड टीवी स्पॉट्स, तो हो सकता है कि इस वीडियो में बताई जाने वाली स्टोरी मूवी में भी कुछ हद तक आपको देखने को मिल जाए। एंड इट कुड ऑल्सो इंक्लूड पॉसिबल स्पॉयलर्स कि इस मूवी में हमें कौन कौन से टाइटन्स देखने को मिल सकते हैं। तो एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग के साथ, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। 2014 में गॉडजिला की फर्स्ट मूवी से स्टार्ट हुआ मॉन्स्टरवर्स इस बार हमें एक ऐसी मूवी दिखाने वाला है जहां हमें दो चार नहीं बल्कि बहुत ज्यादा नंबर में टाइटन्स देखने को मिलेंगे। कंसिडरिंग दैट पार्ट विल ओनली फोकस ऑन द स्टोरी जो कि इन टाइटन्स को दिखाएगी एंड नॉट द पार्ट जहां पर इंसान बातें करके उस स्टोरी को मीनिंग देने की कोशिश करते रहते हैं और इस वीडियो को और भी अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर तुम्हें मॉन्स्टरवर्स की सभी मूवीज का एक फास्ट रीकैप मिल जाएगा। मैंने सभी मूवीज के एक एक रीकैप वीडियोस बना दिए हैं, तुम चाहो तो वहां पर विजिट करके वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। सो कंटिन्यूइंग ऑन दिस स्टोरी, अभी तक हम देख चुके हैं कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी के अंत में गॉडजिला वापस समुद्र के अंदर लौट गया था और कॉन्ग गॉडजिला से हुई अपनी बैटल के बाद होलो अर्थ में रहने लगा था। और जस्ट लाइक द रियल वर्ल्ड, कॉन्ग को भी होलो अर्थ के अंदर के सभी राज के बारे में नहीं मालूम। ही वॉज जस्ट लिविंग देयर, ना कि वो वहां पर कोई निरीक्षण करने के लिए आया था। ऐसे ही किसी एक दिन कॉन्ग पर एक वुल्व्स का ग्रुप, जो कि ऑब्वियसली टाइटन्स के साइज के वुल्व्स थे, वो अटैक कर देते हैं। कॉन्ग उनसे लड़ने की कोशिश भले ही करता है पर उनका नंबर बहुत ज्यादा था जिस वजह से वो उनसे बचकर भागने की कोशिश करता है। और कुछ दूर तक भागने के बाद जब वो उनसे पीछा छुड़ा लेता है तब वो थोड़ी ही दूर पर एक छोटे से साइज के कॉन्ग को देखता है। उस मिनी कॉन्ग का नाम है सुको। वो हमारे कॉन्ग को देखकर थोड़े आश्चर्य में नजर आता है क्योंकि उसने कॉन्ग को पहली बार देखा था और अपना कॉन्ग भी उसको देख के काफी सरप्राइज्ड हो जाता है क्योंकि जहां उसे आज तक लग रहा था कि उसकी पूरी स्पीसीज खत्म हो चुकी है, जिन्हें ढूंढता हुआ वो पहली बार मोनार्क की मदद से होलो अर्थ के अंदर आया था, उस स्पीसीज का पहली बार उसे कोई दूसरा मेंबर दिखाई दिया। मगर कॉन्ग से घबराकर सुको वहां से भागने की कोशिश करता है। सरप्राइज्ड कॉन्ग अपने जैसे और ढूंढने के लिए सुको का पीछा करता है। इनकी पकड़म पकड़ाई चल ही रही थी कि इस बीच हमें दिखाया जाता है गॉडजिला जो कि अर्थ के ऊपर घूमकर बेवजह आतंक मचा रहे टाइटन से लड़ता हुआ नजर आता है। तभी गॉडजिला को अचानक से एक बहुत ही शक्तिशाली मॉन्स्टर के फ्लैशेस नजर आते हैं, एक ब्लूइश व्हाइट कलर का मॉन्स्टर जो कि चेन्स से जकड़ा हुआ है। एक ऐसा मॉन्स्टर जो साइज में गॉडजिला से भी बहुत बड़ा है, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसका सामना करने से गॉडजिला को भी घबराहट महसूस हो रही हो ऐसा महसूस होता है। इतना शक्तिशाली मगर लाचार वो मॉन्स्टर हमें गॉडजिला के फ्लैशेस में ही दिखाई देता है। गॉडजिला को मालूम था अगर वो उससे अभी लड़ेगा तो वो उसे किसी भी हालत में नहीं हरा सकता, इसी वजह से वो वापस समुद्र में लौट जाता है और वो पहुंचता है एक ऐसी जगह जहां वो हाइबरनेशन में जा सके, अपनी एनर्जी को कंजर्व कर सके और उसे चैनलाइज कर सके और भी ज्यादा पावरफुल बनने के लिए। देखो यार, स्टोरी से हटके एक साइड नोट, वैसे तो इस स्टोरी के अंदर मैंने इस तरीके से दिखाया कि गॉडजिला खुद हाइबरनेट करने के लिए गया पिंक गॉडजिला बनने के लिए, बट इन दी एक्चुअल मूवी आई थिंक दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि गॉडजिला शीमो से लड़ता हुआ आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाए, जिसके बाद में जब वो उस आइस से निकले तब वो हमें पिंक गॉडजिला के फॉर्म के अंदर नजर आएगा। बट इस साइड नोट को साइड में हटाते हैं एक बार के लिए और वापस कंटिन्यू करते हैं उसी स्टोरी को जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। तो एक तरफ तो गॉडजिला हाइबरनेशन में जा चुका है, वहीं दूसरी ओर मोनार्क के एक बेस पर सभी लोग बिल्कुल शांति से एक कोकून की ओर नजरें टिकाए हुए थे। ये कोकून था मोथरा का। 2019 में आई गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के टाइम पर हमें दिखी एक न्यूज कटिंग जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि मोथरा का एक और ककून पाया गया। इससे पहले मोथरा स्पीसीज की एक टाइटनस को हम उसी मूवी में देख चुके थे जिसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया था और अपनी लाइफ फोर्स गॉडजिला को सौंप दी थी, जिसकी बदौलत गॉडजिला किंग गिडोरा को हरा पाया था। यहाँ भी इस कोकून के हैच होने जैसे आसान नजर आ रहे थे पर मोथरा को अपने कोकून से बाहर आने में अभी भी कुछ समय बाकी था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कॉन्ग को जो कि सुको का पीछा करते हुए एक विशाल केव वाले एक पहाड़ के पास पहुंच गया था जहां पर बहुत से दूसरे टाइटन्स के कंकाल पड़े थे जिन्हें बहुत बेरहमी से मारा गया था। कॉन्ग जैसे जैसे धीरे धीरे वहां आगे बढ़ता है वो देखता है कि उस जगह पर उस जैसे और भी बहुत सारे टाइटन्स मौजूद थे, कॉन्ग्स उसका परिवार। पर चीजें वैसी नहीं थी जैसी अपने कॉन्ग को नजर आ रही थी।
वहां मौजूद कॉन्ग्स का राजा था स्कार किंग, जो कि उन सभी पे रूल करता है। और क्योंकि एक झुंड में दो राजा नहीं हो सकते, और कॉन्ग भी जब वहां आया तो उसके पास अपनी एक्स यानी कि एक वेपन मौजूद था। इस वजह से स्कार किंग कॉन्ग को एक डेथ बैटल के लिए चैलेंज कर देता है। वहां मौजूद सभी कॉन्ग्स उनकी इस बैटल की शुरुआत के लिए अपने हाथों से उस जमीन को पीटना शुरू करते हैं। एंड विद दैट कॉन्ग भागता हुआ स्कार किंग की ओर अटैक करने के लिए निकल जाता है, मगर स्कार किंग उसके अटैक से बचकर अपने एक चेन वाले वेपन की मदद से कॉन्ग पर हमला करता है। इस चेन वाले वेपन के ऊपर एक मिस्टिक आइस जैसा दिखने वाला एक आर्टिफैक्ट जुड़ा हुआ था, जो कि बहुत ज्यादा ब्राइट शाइन कर रहा था। कॉन्ग स्कार किंग पर कई हमले करने की कोशिश करता है, पर वो उन सभी में नाकामयाब रहता है, और स्कार किंग अपनी बेल्ट से मार मार के कॉन्ग का भूत बना देता है। यही उस चेन की मदद से वो कॉन्ग के हाथ को बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। ऑडियंस इस बैटल को देखकर लिटरली कॉन्ग के लिए लाचार महसूस करेगी। कॉन्ग भी कुछ बहुत पावरफुल काउंटर अटैक्स करता है, पर स्कार किंग उससे कुछ ब्लोस खाते ही उस चमकते हुए मिस्टिकल आइस आर्टिफैक्ट को छूता है, और वो बहुत ब्राइट शाइन करने लगता है। एंड देन फ्रॉम अ केज अपीयर्स अ वाइट मिस्टिकल टाइटन, कॉन्ग के साइज से दुगना लगने वाला एक आइस पावर्स वाला टाइटन, जिसका नाम है शीमो। वो हमें नजर आता है चेन्स में जकड़ा हुआ और पूरे तरीके से स्कार किंग के कंट्रोल में। ये वही टाइटन है जिसे गॉडज़िला ने अपने विजन के अंदर देखा था। शीमो के वहां आते ही बाकी सभी टाइटन्स वहां से भाग निकलते हैं। कॉन्ग घबराई हुई नजरों से उसे देखता रहता है। जहां पर शीमो चलता है वहीं पर आइस जमती हुई हमें दिखाई देती है, और इस ड्रामेटिक एंट्री के बाद स्कार किंग शीमो को इशारा करता है कॉन्ग पर अटैक करने के लिए, और उस अटैक की वजह से कॉन्ग की एक्स भी जमकर टूट जाती है और उसका डैमेज्ड हाथ भी पूरे तरीके से जम जाता है। सुको, वो टाइटन जिसका पीछा करते हुए कॉन्ग यहां पर पहुंचा था, उसे कॉन्ग की ये हालत देखकर बहुत बुरा लगता है, और वो कॉन्ग को गाइड करता है कि वो वहां से कैसे निकल सकता है। कॉन्ग वहां से सक्सेसफुली शीमो से जान बचाकर निकल जाता है, एंड उसे ये रियलाइज हो जाता है कि उसकी पूरी स्पीसीज स्कार किंग के साथ अपनी मर्जी से नहीं है, बल्कि शीमो के डर के कारण वो सभी उसके पास हैं। उन सभी कॉन्ग्स के पास फ्री विल नहीं है, उन्हें मजबूरन वही करना पड़ता है जो स्कार किंग उन्हें कहता है। मोनार्क के लोग होलो अर्थ में कॉन्ग के ऊपर नजरें रखे हुए थे, और कॉन्ग की ऐसी कंडीशन होने के बाद दे मैनेज टू मेक एन आर्टिफिशियल आर्म फॉर द एप, जिससे कि कॉन्ग की पावर्स और भी इनहेंस हो गई। और वहीं दूसरी ओर मोनार्क के बेस में मोथरा का ककून भी हैच हो गया, और गॉडज़िला भी अपनी न्यू फॉर्म को अनलॉक करके पिंक गॉडज़िला के रूप में अपने हाइबरनेशन से बाहर आ गया। अपनी न्यू आर्म के साथ कॉन्ग वापस लड़ने को तैयार तो था, मगर वो कॉन्ग्स की एक पूरी आर्मी स्कार किंग और शीमो से अकेला नहीं लड़ सकता था, तो इसी वजह से गॉडज़िला से मदद मांगने के लिए वो होलो अर्थ से धरती के ऊपर वापस आता है, और वो इजिप्ट के रेगिस्तान से पिरामिड्स के पास धरती से बाहर निकलता है। गॉडज़िला कॉन्ग के पावर सिग्नेचर्स को ऑब्जर्व करता हुआ इजिप्ट पहुंच जाता है, पर उसकी पावर्स इनहेंस होने के बाद वो खुद पर कंट्रोल लूज कर चुका होता है। इसी वजह से कॉन्ग को देखकर वो उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। कॉन्ग भी अपनी न्यूली रिसीव्ड आर्म की बदौलत गॉडज़िला को अच्छे तरीके से काउंटर करने की कोशिश तो करता है, पर पिंक गॉडज़िला के सामने वो कुछ नहीं कर पाता। गॉडज़िला उसे जान से मारने ही वाला था कि वहां पहुंच जाती है मोथरा। एंड मोथरा और गॉडज़िला के बीच का बॉन्ड हम गॉडज़िला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स मूवी में तो पहले भी देख चुके हैं। मोथरा की बदौलत गॉडज़िला शांत हो जाता है। कॉन्ग मोथरा और गॉडज़िला को इशारा करता है कि वो उसके साथ चलें उसकी मदद करने के लिए। कट टू होलो अर्थ, जहां पहुंचकर कॉन्ग गॉडज़िला को उस पहाड़ के पास ले जाता है जहां स्कार किंग और बाकी कॉन्ग्स मौजूद थे। एंट्री पर उसे फिर सुको नजर आता है, जिसे देखते ही गॉडज़िला उस पर अटैक करने वाला था, पर कॉन्ग उसे रोक लेता है। वो उसे स्कार किंग और बाकी टाइटन्स को दिखाता है, जहां गॉडज़िला देखता है शीमो को, जो कि पूरे तरीके से स्कार किंग के काबू में है। तभी गॉडज़िला और कॉन्ग मिलकर उन पे हमला कर देते हैं। गॉडज़िला उनमें से कई कॉन्ग्स से एक साथ लड़ता है, और फाइनली हमें एक शोडाउन देखने को मिलता है जहां कॉन्ग गॉडज़िला पर सवार होकर और स्कार किंग शीमो पर सवार होकर एक दूसरे की तरफ दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। कॉन्ग स्कार किंग को ओवरपावर करने लगता है, और वहीं दूसरी ओर गॉडज़िला भी शीमो को टक्कर देने की पूरी कोशिश करता है, मगर फिर भी वो इसमें नाकामयाब होता हुआ नजर आता है। कॉन्ग और स्कार किंग की बैटल में सुको भी कॉन्ग की मदद करता हुआ दिखाई देता है, और स्कार किंग के ऊपर कंटिन्यूस अटैक्स करता रहता है। शीमो अपने अटैक से गॉडज़िला को फ्रीज कर देता है, और कॉन्ग भी बुरे तरीके से जख्मी होकर उधर गिरा रहता है। स्कार किंग इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करता है, जहां कॉन्ग और गॉडज़िला की वजह से उसे सरफेस वर्ल्ड के बारे में भी पता लग जाता है, और होलो अर्थ से निकलकर वो शीमो पर सवार होकर सरफेस वर्ल्ड पर हमला करने के लिए चला जाता है।
वो दोनों उस कैनाल के थ्रू पहुंचते हैं रियो डी जेनेरो ब्राजील के अंदर। वहां पहुंचकर वो शीमो की मदद से उस पूरी जगह को बर्फ से ढकने की कोशिश करता है टू टेराफॉर्म इट अकॉर्डिंग टू शीमो, ताकि उसे वहां पर कोई भी ना आ सके। इसी बीच मोथरा शीमो के ऊपर हमला कर देती है। इस वजह से स्कार किंग और शीमो मिलकर मोथरा को मारने ही वाले थे कि वहां पर गॉडज़िला, कोंग और सुको पहुंच जाते हैं। गॉडज़िला और मोथरा मिलकर शीमो का सामना करते हैं और वहीं दूसरी तरफ कोंग और सुको मिलकर स्कार किंग पर हमला करते हैं। इस बैटल के दौरान गॉडज़िला समझ जाता है कि स्कार किंग शीमो को उस मिस्टिकल आइस आर्टिफैक्ट की मदद से कंट्रोल कर रहा है और इसलिए वो अपनी एटॉमिक ब्रेथ की मदद से उस आर्टिफैक्ट को वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है। उस आर्टिफैक्ट के ब्रेक होते ही शीमो उन पर अटैक करते करते रुक जाता है। वो काफी कंफ्यूज था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है। कोंग और गॉडज़िला मिलकर स्कार किंग को शीमो के पैरों में गिरा देते हैं और जब शीमो को रियलाइज होता है कि स्कार किंग ने उसे ट्रिक करके माइंड कंट्रोल से काबू में रखा और एक पालतू जानवर की तरह इस्तेमाल किया, तो वो उसे अपनी आइस बीम से वहीं के वहीं जमा देता है और कोंग वो चीज करने में कामयाब हो जाता है जो कि थोर अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में नहीं कर पाया था। वो अपनी न्यू एक्स की मदद से, जो होलो अर्थ में अपने अटैक के टाइम पर उसे मिली थी, उससे वो स्कार किंग की गर्दन को काट देता है और माइंड कंट्रोल से आजाद हुआ शीमो वापस होलो अर्थ के अंदर लौट जाता है। एंड दैट रैप्स अप द गॉडज़िला एक्स कोंग द न्यू एम्पायर मूवी। Thanks for staying up until this point in this video. The idea for this video was sparked by a video from Slick YouTube channel. You can check out the complete animated version of the same on their channel. Uske link main niche description ke andar provide kar dunga. I hope you guys enjoyed the story and if you did, then be sure to hit that like button. Aur is story ke alawa kuch theories tumhare paas bhi ho to unhe bhi niche comments box mein tum share kar sakte ho mere saath. I'll be back with more interesting videos soon. तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अनटिल देन बी डायनेमिक एंड डोंट फियर टू डू व्हाट यू लव। पीस।